फिल्म फेयर अवार्ड बॉलीवुड का पॉपुलर अवार्ड शो है। इस अवार्ड शो की शुरुआत 30 अगस्त 2022 को की गई। इस बार अवार्ड शो का रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर होस्ट कर रहे थे। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 67वां फिल्म फेयर अवार्ड समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकारों ने इस समारोह में शिरकत की। इस दौरान रेड कार्पेट पर कियारा आडवाणी, कार्तिक आर्यन, विकी कौशल और दिया मिर्जा का खूबसूरत अवतार देखने को मिला। इस बार शो को रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर होस्ट कर रहे थे। यह पहली बार था जब महिला गीतकार ने फिल्मफेयर अवार्ड जीता। इस दौरान सर्वश्रेष्ठ गीत का फिल्मफेयर अवार्ड 83 के गाने लहरा दो के लिए कौसर मुनीर को दिया गया। सपोर्टिंग एक्टर की बात करें तो साई तंवर को मिमी के कृति सेनन की दोस्त का किरदार निभाने के लिए बेस्ट सपोर्टिंग फीमेल का अवार्ड मिला, तो पंकज त्रिपाठी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल का अवार्ड मिला है। इसके अलावा सुजीत सरकार ने सरदार उधम के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स का पुरस्कार जीता है। वहीं अगर बात करें फिल्म शेरशाह की तो फिल्म फेयर में शेरशाह ने कई सारे अवार्ड अपने नाम किए। शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म लोकप्रिय और निर्देशक विष्णुवर्धन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। विष्णुवर्धन एक निर्देशक और निर्माता और पटकथा लेखक भी हैं। इस बार सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग बात लगी वो ये लगी कि इस फिल्म फेयर अवार्ड में कहीं पर भी हमें स्टार किड्स का चेहरा देखने को नहीं मिला। तो 67वें फिल्म फेयर अवार्ड को लेकर के आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं।